नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। खांसी है और बच्चों वाली हरकतें तो कभी जाती नहीं है। कल मैंने आपको बताया था, मैं रास्ते में से जब गाड़ी चला रही थी तो जहाँ पहुंची चंडीगढ़, खाना तो कुछ खाना नहीं था, आपको पता था कि शनिवार का व्रत है, सो मैंने आइसक्रीम खाई। समझ रहे हैं मजे की बात? आपको एक बात बताऊं कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और पता भी नहीं लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रही हूँ। मुझसे देव कॉल कर बोलता है, मम्मा गाड़ी कौन चला रहा था? मैंने कहा मम्मा चला रही थी। तो बोला ऐसा लग रहा था कि आप लेफ्ट हैंड पर बैठे हो और लग ही नहीं रहा था कि आप गाड़ी चला रहे हो। तो मैंने उससे मजाक किया, मदर इज जीनियस, थैंक यू सो मच। गला थोड़ा जरूर खराब है, दिस इज अगेन अवार्ड फॉर यू, आई लव यू गाइज। इतना प्यार कर रहे हैं आपकी हर शहर से, हर जगह से मुझे ये सर्टिफिकेट्स, ये अवार्ड्स, ये चीजें, ये सम्मान जो मिल रहा है, ये सम्मान मेरा नहीं, आप लोगों का है। ये इज्जत जो आप इतना प्यार मान सम्मान जो मुझे दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने नोटिस किया मैंने चश्मा बदला है ना, ये नया चश्मा लिया, लेकिन मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरे इस चश्मे पर कुछ निशान आ गए हैं, लेकिन ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, आई लव दिस। अब आप लोग भी क्लियर देख रहे हो, जब मैं चश्मे में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती तो आप इतनी जल्दी जल्दी अपने ज्योतिष कैसे बदल लेते हैं? कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इसे फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यार और सम्मान देने के लिए। लेकिन हाँ, दो बातों से एग्री करती हूँ। एक, मैंने कल ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, इसके लिए आई एम सॉरी। मुझे देव ने बहुत डांटा और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप भी किया, नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस ऐसा नहीं होगा। और किसी ने लिखा यूट्यूब पर कि मैम ड्राइविंग के टाइम पर वीडियो बनाना ये बहुत गलत है, लेकिन बिलीव मी, मेरी नजरें जो है वो वीडियो पर नहीं थी, मेरी नजरें सामने सड़क पर थी। लेकिन अगेन दिस इज रॉन्ग, आप में से ऐसा कोई ना करे। और प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू कि डॉक्टर वाई राखी भी ऐसा दोबारा अब नहीं करेंगी। हमारे रिश्तेदार में किसी के बेबी पैदा हुआ है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में अंगूठी नहीं है क्योंकि नीलम पहना हुआ है, हीरा पहना हुआ है, ओपल पहना हुआ है। मैं सब कुछ उतार कर अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ सुबह सुबह, उनकी बेबी को, एक छोटी सी लक्ष्मी को। किस्मत और धनवान लोगों के घर में बेटी पैदा होती है, तो उसको देख के आई। तो आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जहां पर भी बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, बच्चे पैदा होते हैं, वहां सूतक लगा होता है। सूतक और पातक में हम अपने नग और अंगूठियां पहनकर नहीं जाते। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे स्टोन्स में वो पावर्स नहीं रहती। अब मैंने उन्हें उतार दिया, शूट खत्म करूंगी। उनको पहनने का नहीं है कि मुझे नीलम पहनना है तो मेरे को शनिवार ही पहनना है, ऊपर पहनना है तो शुक्रवार ही पहनना है। वो एक मुहूर्त देखकर जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था तो पहन लिया था। अब मैं अंदर जाऊंगी और अलमारी खोलकर उन्हें वापस पहन लूंगी क्योंकि संडे है और दोपहर के 12:15 बज रहे हैं, वीडियो अभी तक नहीं डली। और आई एम सॉरी, मुझे पता है कि आजकल मेरे पास वीडियो का बैंक नहीं हो पा रहा, कभी मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं ना तबीयत खराब होने को तो बहुत ज्यादा तजव्वुर नहीं देती हूँ, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, इट्स ओके। यू वोंट बिलीव कि मैं अभी भी बाहर, जब उस बच्ची को देखने हॉस्पिटल गई तो बाहर जूस की दुकान थी, तो मैंने सुरेश जी से कहा कि आप अनार का जूस पी लो, तो उन्होंने बोला तुम भी पियोगे, और मैं अपने लिए जो है वो बनाना शेक और उसमें आइसक्रीम डालकर, मतलब समझ नहीं सकते आप कि कितना टेस्टी और यम्मी होता है, लव शेक्स। लेकिन ये दो कारणों मुसीबत का कारण बनता है, जैसे एक खांसी, गला खराब होना, और एक मोटापा। लेकिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो मोटा पतले की तो मैं परवाह नहीं करती, दैट हाउ यू कैरी योर सेल्फ इट्स मैटर, यू नो। और खांसी की बात रही तो मेरे दिमाग में एक ही बात बचपन से बैठी हुई है कि सर्दी ही सर्दी को काटती है, तो वही ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग, बट कल मैं बहुत थक गई, रात को मैं 8 बजे घर पहुंची और आप लोगों की दुआ से भगवान का भजन सुनते सुनते आ गई, रास्ता अच्छे से कटा। आते वक्त भी बहुत दिल था आपसे बात करने को, इनफैक्ट मैं आपको वहां से जो टैरो का सेमिनार हो रहा था वहां से लाइव जाना चाहती थी, बट पता नहीं नेटवर्क इश्यूज थे, मैं वहां से लाइव नहीं जा पाई। क्योंकि लाइफ के हर छोटे और बड़े मोमेंट में, मेरी लाइफ में आप लोग बहुत मैटर करते हो। तो नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन, मैं हूँ डॉक्टर वायर आके आपका स्वागत करती हूँ और दिल से दुआ देती हूँ खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। अक्सर चलते हुए काम जो है वो रुक जाते हैं। मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ जो आपको आने वाली अमावस्या पर करना है या किसी भी शनिवार वाले दिन करना है, प्लीज इसे जरूर कर लीजिएगा। अगर लगी हुई है 100 वर्ष से भी आपको नजर, तो चुटकी में नजर उतरेगी और असर 24 घंटे में दिखेगा आपको, जी हाँ 24 आवर्स में। कुछ भी नहीं करना है, छोटी सी कटोरी लेनी है और कटोरी अगर छाया पात्र हो तो बहुत अच्छा, 10 रुपए की मिलती है, किसी भी शनि मंदिर के बाहर आसानी से मिल जाती है। उसमें पूरा सरसों का तेल भरना है, सरसों का तेल जो हो कड़वा हो,
असली वाला हो, कच्ची धानी का हो, आर्टिफिशियल ना हो, मिलावट वाला ना हो, उसे शनि मंदिर से मत खरीदिएगा। घर से इतनी छोटी सी बॉटल बनाकर लेकर जाइएगा, उसके अंदर अपना चेहरे को कम से कम 3 सेकंड देखेगा, भुए देखेगा, अपनी दोनों आईब्रोज देखेगा, नोज देखेगा, आईज देखेगा, चिक देखेगा, लिप्स देखेगा, उसके बाद उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा। यूं ही अपने आपको देखते रहेगा, क्योंकि नजर नजर से सबसे ज्यादा लगती है। समझे आप? समझे नहीं? देखिए, जैसे आप इस वक्त मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं, मैं आपको इस वक्त अपनी आंखों से देख रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी आंखों से मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपकी मन की आंखों से आपको देख पा रही हूँ। मेरी फीलिंग्स जुड़ी हैं आपके साथ। देखिए, आप लोग मेरे घर रोज आ सकें या ना आ सकें, बट बिलीव कर कर कहिए, मैं आपके घर हर रोज आती हूँ। भले ही वो आपके लैपटॉप के जरिए, टैब के जरिए या फोन के जरिए आती हूँ ना, एवरी डे। सो नजरें लगती हैं, नजर से नजर मिलती है। तो हमें करना क्या है कि उस छाया पात्र के अंदर खूब सारा सरसों का तेल ऊपर तक भरकर और उसके अंदर देखना है, शनि देव के चरणों में जाकर इसे छोड़ देना है। अगर आपको 100 वर्ष से भी नजर लगी हुई है तो आपकी नजर उतर जाएगी, लेकिन कम से कम ऐसा 4 शनिवार या 4 अमावस जरूर करिएगा। और 2 ही अमावस में, 2 ही शनिवार में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। और मुझे देखिए, आज संडे वाले दिन दोपहर 12:45 में ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको अगले शनिवार तक का टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम मिले, और एक्सक्यूजेस ना हो कि हमें कटोरी नहीं मिली, हमें छाया पात्र ना मिले तो स्टील की कटोरी ले लेना, वो ना मिले तो प्लास्टिक का डोना ले लेना, वो भी ना मिले तो कुछ तो ले लेना। अंजलि में तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश करोगे तो दिखेगा नहीं, इसीलिए स्टील की कटोरी, प्लास्टिक की कटोरी। अब ना ये मत पूछेगा अगर ये ना मिले तो क्या करें, क्योंकि मैं आपसे हमेशा से ये कहती हूँ, कुछ ना मिले तो कुछ भी करो, बट प्लीज करो। अगर आपको छाया पात्र 10 रुपए वाला नहीं मिल रहा, 15 रुपए वाला नहीं मिल रहा, तो यू कैन गो फॉर एनी कटोरी, वो प्लास्टिक हो, स्टील हो, कांच हो, कुछ भी हो। सॉरी, खांसी बहुत हो रही है और ये मेरी खुद की गलती की वजह से हो रही है, क्योंकि मैंने लापरवाही की हद कर रखी है। लेकिन आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, अपनी नजर उतारिए, अपनों की नजर उतारिए, बच्चे अलग करें। अब ये ना हो कि एक ही कटोरी तेल में पूरा का पूरा घर सर जो है अपना देखने लग जाए। जितने घर के लोग हैं उतनी कटोरी बनाइए, कच्चे धाने, सरसों का तेल, असली तेल, कड़वा तेल होना चाहिए, क्योंकि शनिदेव भी कड़वे हैं, ये याद रखिएगा। कड़वे इन द सेंस, वैसे कड़वे नहीं, कर्मों के देवता है ना, जैसे आप कर्म करते हैं वैसा ही वो फल देते हैं। उन्हें कसाला जो होता है ना, मतलब तीखा सा वाला स्वाद बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। वो थोड़े यूनिक हैं, वो अलग है, धीमी गति से चलते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं शनि धीरे धीरे आता है, शनि धीरे धीरे जाता है। धीरे धीरे काम करें, आराम से मन से देखें, तो आपको महसूस होगा कि आपका शनि, चाहे आपकी शनि की धैया चल रही हो, सारस्वती चल रही हो, चाहे शनि आपको कष्ट दे रहे हो महादशा में, अंतरदशा में, आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। और ये उपाय मैं आपके से शनि के लिए नहीं करवा रही हूँ, ये उपाय मैं आपकी नजर उतारने के लिए करवा रही हूँ। तो प्लीज इस उपाय को जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव आए और कम से कम नेगेटिविटी घर से दूर हो जाए। घर के जितने लोग हैं उतने कीजिए, मंदिर जाकर कीजिए। 1 किलो की बोतल ले लो, घर में 5 मेंबर है, 5 कटोरियां ले लो, जो बोतल बची है वो मंदिर के बाहर कोई गरीब बैठा हो तो उसे दे दो, वो अपने घर में सरसों का तेल खाना बनाकर खा लेगा, आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। हमेशा देखिएगा, जब भी सरसों का तेल शनिदेव पर चढ़ाया जाता है तो वो नीचे बहकर किसी जगह पर इकट्ठा होता है। मैं सब मंदिरों के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, मुझे क्षमा करें, लेकिन कुछ मंदिरों में वही तेल अगले शनिवार छान कर डब्बे में डालकर, बोतल में डालकर हमें ही बेच दिया जाता है। तो क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि चाहे हम इतना सा तेल लें, चाहे इतना तेल लें शनिदेव पर चढ़ाने के लिए? हम तेल बाजार से खरीदें, तिल्ली का खरीदें या सरसों के तेल का खरीदें, और उसको रिसाइकिल होने से बचाएं, कि वो दोबारा ही रिसाइकिल अच्छी चीज में हो, कि वो तेल मंदिरों के पंडितों को चाहिए कि उसे भरे और बाहर गरीबों में बांटें। वो तो ये काम कर नहीं रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपको मुझको निभानी होगी। मैं हर शनिवार, मतलब शुक्रवार तेल सरसों का लेके अपने घर में रखती हूँ, फिर शनिवार उसे लेकर जाती हूँ ताकि घर से शनिचर निकले, और उसमें से जो तेल बचता है बाहर बैठी किसी भी महिला को दे देती हूँ, या फिर वहां जो तेल जो इकट्ठा कर रहा होता है, सफाई कर रहा होता है, उस व्यक्ति को दे देती हूँ, मतलब एक सही हैंड में देती हूँ, ताकि उससे किसी का पेट भरे, वो तेल वापस शनिदेव पर जाने के बाद कनस्तर में आए, फिर अगले शनिवार वो उनसे तेल खरीद कर फिर मैं वही तेल चढ़ाऊं, तो ये तो गलत है। देखिए, पूजा करिए, पद्धति कीजिए, पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन जिम्मेदारी से मत कीजिए। वो हमारे यहाँ पंजाबियों में कहावत है कि बलाना टालो, कि सानू करना है तो करके छड्डो, वो नहीं करना है, सही तरीके से करना है। नारियल चढ़ाना है तो अपने सामने नारियल तोड़वा कर गरीबों में बंटवाना है, या नारियल पंडित जी से लेके घर आकर गरीबों में बांटना है, या नारियल की चटनी बनानी है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको, परिवार को या समाज को नुकसान हो।